Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today is our fourth and the last lecture about the topic integers, that is the first chapter of our class 7th mathematics. So without any delay, I would like to start with my lecture, but before starting, I would like you all to please like, share and subscribe my channel, and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So now we will start with our lecture. So हमने अपने previous class के अंदर discuss करा था about distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने बहुत ही ज़्यादा डीपली समझा था एंड वी हैड डेडिकेटेड अ फुल लेक्चर ऑन इट. और वो हमने इतना डीपली इसलिए डिस्कस करा था बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे जाकर सीनियर क्लासेस में वो प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी. ओके, सो नाउ इसके बाद आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ डिविजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो टुडे वी विल फिनिश इट विद ऑफ, और उसके बाद हम करेंगे थोड़े क्वेश्चंस जिसके लिए हम अलग से करेंगे प्रैक्टिस सेशंस. सो इंटीजर्स, सो पहले डिवीजन करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अ फ्यू टर्म्स विद यू दैट यू वुड बी नोइंग, बट अगर आप भूल गए हो सो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट. सो डिवीजन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिवीजन. सो डिवीजन के अंदर जो हमारा डिवीजन का रूट होता है, इसके अंदर जो वैल्यू आती है, मतलब जिस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, जिस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिविडेंड. द वैल्यू बीइंग डिवाइडेड इज द डिविडेंड. जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिवाइजर. और ऐसे पिक्टोरियली लिखकर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि जो वैल्यू हम अंदर लिखते हैं, जिस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिविडेंड. जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जिस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज आर डिवाइजर. और जो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज आर क्वोशिएंट. ओके, सो दिस इज आर क्वोशिएंट, मतलब जो हमारा डिवाइड कर आंसर आता है, और जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू रह जाती है, दैट इज आर रिमाइंडर. ओके, सो दीज आर द फोर टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिविजन, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिवीजन के लिए, क्योंकि ये टर्म्स पूरी डिवीजन को सिर्फ चार वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देती है. जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर, जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन, और जो कैलकुलेशंस करने के बाद सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन जो यहाँ पर होती है, उसके बाद जो हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू रह जाती है इन द सम केसेस, दैट इज आर रिमाइंडर. और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है, that comes in your 8th and 9th classes, that is that dividend, जो dividend होता है, that is equal to divisor. I'm writing by divisor into quotient plus remainder, both mass will applied. So this is how our dividend comes, and this is a very important relationship. और इस relationship को use करके आप अपना division को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं, कि आपने डिविजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके अंदर रिमाइंडर ऐड कर दिया. अगर वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, देन योर कैलकुलेशंस हैव अ 90% चांस टू बी ट्रू. 90% चांस होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिनके अंदर अगर आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर अलग आ रहा है, फिर भी आपके डिविडेंड के इक्वल हो जाता है. सो टेक देम एज एन एक्सेप्शन. सो ये वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होती है. सो These four terms, you need to keep it in your mind. मतलब इन्हें तो अच्छे से याद करो. These are going to stay with you. जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे, जब तक आप डिविजन करोगे, तब तक ये वैल्यूज आपके साथ रहनी चाहिए. सो डिविजन को हम, जैसे हमने होल नंबर्स की डिविजन करी थी, कि इफ़ आई राइट अ डिविजन स्टेटमेंट लाइक 8, जैसे अगर मैं कोई मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट लिखता हूँ, 2 × 4 If I write this multiplication statement, so हर एक multiplication statement की दो division statements होती है. Do you remember it? We had done this in our fourth class, कि हर एक multiplication statement की दो division statement होती है. ठीक, पहले हम इस 4 को उधर लेके गए, so 8 divided by 4 is equal to 2, और फिर हम 2 उधर लेके गए, so ये दो statement बनती है. और ऐसा कुछ नहीं होता कि हम इसको उठाकर उधर लेके जा रहे हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. काफ़ी बच्चे इस बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि
जो ये फोर होता है ये उधर उठ के भाग जाता है और ये अपने साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको डिवीजन में चेंज कर लेता है और जो अपने साथ प्लस होता है उसको माइनस में चेंज कर लेता है। नहीं, इट इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेट मी टेल यू कि ये क्या होता है। सो लाइट कितना राइट इज इक्वल टू जीरो। सो अगर मुझे ये स्टेटमेंट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से फोर को डिवाइड कर लूँगा। इफ आई डिवाइड फोर बाय बोथ द साइड्स फिर ऐसे होता है। अगर मैं इसको ए इंटू बी इज इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखूँ तो अगर मुझे बी को उधर डिवीजन में लेकर आना है तो ये ऐसे उठ के नहीं जाता। एक्चुअली होता क्या है, ये दोनों साइड्स बी से डिवाइड हो जाती है। सो बी से बी कैंसिल, ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी, यही स्टेटमेंट हम पहले बना रहे थे। सो दिस इज हाउ एक्चुअली अलजेब्रा टेक्स प्लेस। और जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस होता है तभी ऐसे होता है। सो अलजेब्रा एक्चुअली ऐसे वर्क करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इसीलिए उसको जल्दी और एक शॉर्टकट वे में करने के लिए हम कह देते हैं कि हम उसको उठा के उधर ले जाए, हम उसको उठा के उधर ले। तो दिस इज हाउ एक्चुअली अलजेब्रा वर्क्स। सो ये तो बात थी होल नंबर्स की। अब अगर मैं कहूँ कि मैं यही स्टेटमेंट्स इंटीजर्स में बनाना चाहता हूँ तो क्या ये स्टेटमेंट्स बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि अभी अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करा था हमारे सेकंड लेक्चर में, और अगर मल्टीप्लिकेशन ट्रू है तो डिवीजन भी ट्रू होना चाहिए। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक वैल्यू को नेगेटिव ले, इफ आई टेक टू टू बी नेगेटिव, तो अब क्या मैं इस फोर को उधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो व्हाट विल आई गेट? कर रहा हूँ, कैन यू सी अ पैटर्न? जो हमने पिछला डिस्कशन करा था उसको भी आई विल वंस मोर राइट इट ताकि आपको पैटर्न अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज, अब इससे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? लेट मी टेक दिस वन कि अगर मैं अगर मैं दोनों साइड से नेगेटिव हटा दूँ, अगर मैं दोनों साइड को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक डू इट, तो 15 डिवाइड बाय 5, कि यहाँ पर मुझे क्या फ़र्क दिख रहा है कि अगर मैं इनको होल नंबर्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूँ, ये होल नंबर्स की फॉर्म में आ गए ना, नेगेटिव की जगह सारे पॉजिटिव आ गए। सो अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक नेगेटिव इंटीजर आंसर में मिल रहा है, जो अगर मैं उन नंबर्स का होल नंबर में डिवीजन करूं फिर जो क्वेश्चन आता है उसका नेगेटिव है। आर यू गेटिंग इट? कि इफ
a divided by b is equal to c. If a divided by b is equal to c, then 15 to be a, 5 to be b, and 3 to be c. If a divided by b is equal to c, then minus a, the negative of a, divided by b, what is it coming? Negative of c. So this is the universal truth. ये हर एक टीचर के लिए ट्रू होता है. ओके सो अब आपको पता भी चल गया कि हमने कैसे डिराइव करा. और आप कोई भी तीन वैल्यूज ए बी सी लेकर देख लो, इट विल ऑलवेज रिमेन ट्रू अनलेस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. जैसा होल नंबर्स के अंदर होता है वैसा इंटीजर्स के अंदर भी होता है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर आल्सो. आगे भी डिस्कस. So from this you can infer. अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, अगर मैं जो हमारी b वाली वैल्यू है उसको नेगेटिव कर लूँ और जो a वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखूँ, then I will get that d divided by 5 is equal to again minus 3, it is negative. So 15 divided by negative 5 is again equal to negative 3. So अब आप कोई भी तीन वैल्यूज दोबारा से ये लेकर देख लो, will always remain true. ये हमेशा ट्रू होगा. सो अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कंडीशन अगेन, इफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, देन a डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ c. सो दिस इज व्हाट अगेन अ न्यू यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर टीचर्स. टीचर्स के लिए ये भी ट्रू है. ओके सो अब हमें दिख रहा है कि जो हमारी कंडीशन है वो सेम है, कंडीशन सेम है, और जो हमारे रिजल्ट है, हमारे रिजल्ट का जो आंसर है, कंडीशन सेम है, जो हमारे पास दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं उनका आंसर भी सेम है. इसका मतलब जो हमारे इनकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी. कंडीशन इक्वल है, आंसर इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी इक्वल ही होना पड़ेगा. सो फ्रॉम दिस अब आपको ये वाली साइड क्लियर हो चुकी है. सो दिस साइड इज क्लियर. सो फ्रॉम दिस वी ऑल्सो डिराइव अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज नेगेटिव ए बाई बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय नेगेटिव बी. ये भी यहाँ से ट्रू आ रहा है. ओके सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिलेशंस. अब हमने एक केस तो डिस्कस कर लिया जिसमें ए नेगेटिव है, दूसरा डिस्कस कर लिया जिसमें बी नेगेटिव है. अब हम एक ऐसा भी तो केस ले सकते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव हैं. अब अगर हम दोनों नेगेटिव्स का केस लेंगे, देन हम क्या देखते हैं कि इफ दिस इज, अगर मैं इनको होल नंबर की डिवीजन में लिखूँ डिवाइड बाई थ्री टू फाइव, सो इफ दिस A, this is B, this is C. So, यहाँ से हमें दोनों बार हमें दोनों तरफ से क्या दिख रहा है कि अगर नेगेटिव A को मैं नेगेटिव B से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर तो C ही मिल रहा है. नेगेटिव 15, 15 A का नेगेटिव है. ओके नेगेटिव 3 B का नेगेटिव है और C तो 5 ही है. सो यहाँ पर भी अगर आई राइट से मैं क्या रिलेशन डिराइव कर पा रहा हूँ, दैट इफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, अगर a डिवाइडेड बाय b c है फिर नेगेटिव a डिवाइडेड बाय नेगेटिव b, अगर हम नेगेटिव a को डिवाइड करते हैं नेगेटिव b से, इट वुड बी अगेन इक्वल टू c. ये भी c से इक्वल होगा. और ये ऐसा क्यों होता है? जनरली हम कहते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. नेगेटिव से कोई नेगेटिव नहीं कटता. होता क्या है कि हम यहाँ पर नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड भी नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन मल्टीप्लाई कर दिया. नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन यहाँ पर तो पॉजिटिव हो गया, दोबारा से सी आ गया. अब अगर मैंने इस साइड नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन करा है, सो नेगेटिव हम इस नेगेटिव ए को इस
निकला है ना सिंपल अलजेब्रा यूज कर कर कि हमने दोनों से दोनों साइड्स कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करी, उससे हमारे पास सेम रिलेशन आ गया। सो दिस इज अलजेब्रिक वे टू डिराइव दीज इक्वेशंस, और ये है एग्जाम्पलर वे कि हमने एग्जाम्पल्स लेकर ये इक्वेशन डिराइव करी, और जो हमने ये अलजेब्रिकली इक्वेशन डिराइव करी है दिस इज नोन एज द अलजेब्रिक वे ऑफ डिराइविंग एन इक्वेशन, कि हमने अलजेब्रा यूज कर कर ये इक्वेशन डिराइव करी हैं। सो नाउ एज यू आर वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक ऑफ डिवीजन, अब हम एक और केस लेते हैं जिसके अंदर हमने तीन नंबर्स की डिवीजन करी है, तीन नंबर्स की डिवीजन। सो तीन नंबर्स की डिवीजन वैसे तो अभी तक आपको कराई नहीं है, बट आई विल स्टिल टेल अ अमेजिंग फैक्ट अबाउट कि अगर हमने तीन नंबर्स की डिवीजन करी है, जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता है ना कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव्स हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव थे एक एक तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। सो यही केस डिवीजन में भी इम्प्लाई होता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, अगर हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव होगा, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सो अब नाउ यू आर वेल वर्स्ड विद दिस डिवीजन, अब आपको डिवीजन अच्छे से समझ में आ गई है ऑफ इंटीजर्स, तो अब हम जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और जब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के then you will see that these properties play a very big role, बहुत ज़्यादा major role play करते हैं। So property, पहली बात तो हम discuss करते हैं closure property, जो हम properties generally discuss करते आए हैं। So first we have closure property. So let me write two statements, और उससे हमारी दो properties की condition satisfy हो जाएगी। So let me write that negative 8 divided by कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, बट हमने फिर थोड़ी सी हेरा फेरी करी, हमने कहा कि नेगेटिव फोर डिवाइडेड बाई नेगेटिव, ये भी तो एक स्टेटमेंट बन सकती है, ये भी तो एक स्टेटमेंट है, कोई इसे गलत नहीं कह सकता। फिर हमारे पास आ रहा है फोर बाई एट, अब ये तो एक फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन तो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होते। फिर जैसे ही हमारे पास एक भी स्टेटमेंट आ जाती है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती, तभी हम इस प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए फॉल्स कह देंगे, मतलब इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, इस अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस नेगेटिव एट बाई नेगेटिव फोर, नेगेटिव एट डिवाइडेड बाय नेगेटिव फोर इक्वल टू नेगेटिव फोर डिवाइडेड बाई नेगेटिव एट है, आप बताइए कि ये दोनों इक्वल हैं नहीं है, नॉट इक्वल टू, दिस इज अ साइन फॉर नॉट इक्वल टू इक्वल टू, और उसके बीच में एक ऐसे स्लैश, इट इज द साइन फॉर नॉट इक्वल टू, सो दीज टू आर नॉट इक्वल, और हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए डिवाइड बाई बी शुड इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, लेकिन ये तो ट्रू आ ही नहीं रहा। So this implies कि हमारी commutative property भी false है division के लिए, हमारी commutative property भी division पर applicable नहीं है। Then अब हम एक बहुत ही ज़्यादा special, अब हम दो special numbers के बारे में discuss करेंगे, वो दो numbers बहुत ज़्यादा special numbers हैं, वो हमारी बहुत सारी मदद करते हैं, और कई बार क्वेश्चंस के अंदर वो पूरा फंसा भी है, दैट आर जीरो और वन, बहुत ही ज़्यादा गजब से नंबर है। तो पहले हम जीरो का केस लेते हैं कि अगर हम एनी इंटीजर ए डिवाइड बाय जीरो करते हैं तो क्या आता है, मैंने आपको कहा था कि एनी थिंग
डिवाइडेड बाई जीरो, कोई भी चीज़ हो, कोई फ्रैक्शन हो, कोई इंटीजर हो, कोई होल नंबर हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई कुछ भी हो, उसको अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। हम किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड कर लें इट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। और ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है आई विल ऑल्सो टेल यू, कि लाइक आई हैव रिटन अ स्टेटमेंट कि ए डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल सी, मान लो कि ये ट्रू है, टेक इट, अब मान लो कि ये ट्रू है, और जो अभी हम मेथड यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमारी सपोजिशन है और जो हमारा कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है वो दोनों ट्रू हैं। अगर वो दोनों ट्रू नहीं है उस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि जो हमारी सपोजिशन है वो हमारे रिजल्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दैट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और अभी हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे, लेट अस से दैट ए डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू सी, ए डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू सी, देन अगर हम जीरो को उधर ट्रांसपोज करें तो ए इज इक्वल टू सी इनटू जीरो, सी इनटू जीरो हमने पढ़ा है इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। अब हमने कहा था और यहाँ पर हमने एक और कंडीशन लगानी थी कि ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर मतलब ए जीरो नहीं है, वी हैव टू पुट वन मोर कंडीशन ओवर हियर कि ए जीरो नहीं है। अब ए जीरो नहीं है क्योंकि जीरो डिवाइड बाय जीरो तो जीरो होता है, उससे सी भी जीरो हो जाएगा। अब हमने तो ऐसा ही एक नंबर लेना जो जीरो नहीं है, तो अब हमने कहा था कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो तो कह रहे यार ए को जीरो होना चाहिए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विद आवर सपोजिशन कि ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, ए इज इक्वल टू जीरो हमारा रिजल्ट कह रहा है कि ए को जीरो होना चाहिए, लेकिन जो हमारी सपोजिशन थी वो तो कुछ गलत ही कह रही है, वो तो कुछ उल्टा ही कह रही है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों फैक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज कि ये स्टेटमेंट जो हमारी सपोजिशन है वो फॉल्स है। तो ए डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ऐसे डिराइव होता है हमारा ए डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अगर ए जीरो नहीं है तो, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय जीरो वुड बी जीरो, अगर ए जीरो नहीं है तो दिस इम्प्लाइज दैट। अब अगर मैं कहूँ जीरो डिवाइडेड बाय ए, इसको भी हम इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बट आप अब इसे खुद प्रूव करके देखिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रूव यू कैन आस्क इट इन आर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू ज्वाइन इट आफ्टर दिस सेशन। सो जीरो डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू जीरो, और आप इसे इसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज़ कर प्रूव करने की कोशिश करिए, बहुत आसान होगा। देन हमारे पास अब हमने अपना पहला स्पेशल नंबर तो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा स्पेशल नंबर जो होता है हमारे पास वन। सो अगर हम किसी भी चीज़ को, हमारी फोर्थ पॉइंट, अगर हम किसी भी चीज़ को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है, अगर हम किसी भी चीज़ को वन से डिवाइड करते हैं हमारा आंसर वही नंबर आएगा, और अगर हम वन को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन अपॉन ए। और अगर मैं कहूँ कि a डिवाइडेड बाय माइनस वन, a डिवाइडेड बाय माइनस वन क्या देगा, माइनस ए। कैसे a डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू सी, लेट अस टेक इट अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स अ वेरी गुड मेथड टू प्रूव मेनी रिजल्ट्स, a डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू सी, लेट अस टेक। सो ये आ जाएगा कि a इक्वल टू सी टू माइनस वन, a इक्वल टू a इज इक्वल टू नेगेटिव c, ये तो तभी हो सकता है ना जब c इज इक्वल टू नेगेटिव a हो, जब c नेगेटिव a होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, और तो कोई कंडीशन नहीं है, है ना, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज कि c की जगह हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव a, क्योंकि c हमने देख लिया यहाँ पर ही नेगेटिव a होना चाहिए, तो दिस इज वाई दिस कम्स। और अगर हम माइनस वन डिवाइड बाई करें तो माइनस वन अपॉन, सब प्रॉपर्टीज ऑफ आर डिवीजन, ये हमारी डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमारी एक प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज़ आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम अभी देखते हैं कि वो ट्रू होल्ड करती है डिवीजन के लिए या डिवीजन ने उसको भी ठीक करती है। डिवीजन कहता कि तू मेरे सामने भी
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेट अस टेक द सेम एग्जांपल्स. सो एसोसिएटिव सो लेट मी टेक नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव और हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी शुड बी इक्वल टू दिस है ना. अब नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाय 4 नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव और एक और प्रॉपर्टी इन डिवीजन की दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू कि a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1. ये होल नंबर्स के लिए भी ट्रू है इंटीजर्स के लिए भी. ओके एंड a डिवाइडेड बाय नेगेटिव a इज इक्वल टू नेगेटिव 1. टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1 a डिवाइडेड बाय नेगेटिव a इज इक्वल टू नेगेटिव 1. अब लेट अस कम बैक टू आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये माना जाएगा नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव 2 4. अब क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है. इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है. इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन पर एप्लीकेबल नहीं है. सो दिस वॉज डिस्कशन ऑफ डिवीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. और इसके साथ आपके चैप्टर का जितना भी थ्योरी पार्ट था जितनी भी थ्योरी थी ऑल इज क्लियर टू यू. अब आई बिलीव कि आपको चैप्टर की सारी थ्योरी क्लियर हो चुकी होगी एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. सो अब एज वी आर आउट ऑफ आर टाइम तो अब हम जो इसके क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर. और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन और इन द लिंक्स दैट आई हैव गिवन बिलो. सो For today we have this much only. Till then bye and take care and please do not forget to like, share and subscribe my channel. And we have given a link to a WhatsApp group and a Telegram group in the description. If you have any doubts and if you want to connect with us, click on that link and join through us. And if you cannot connect us with WhatsApp or Telegram, we have also given the link for our Instagram, Twitter and Facebook handles. You can also join us over there and receive all the new updates that you want. And do not forget to follow our blogs for very much interesting material. So till then, bye and take care and we will meet you in the practice session of our this chapter. So till then, bye.